नमस्कार दोस्तों, जे ब्लेंड में आपका स्वागत है। आपकी काफ़ी डिमांड्स आ रही थी, क्वेरी आ रही थी इन्वायरमेंट को लेकर के, तो आज आपके सामने इन्वायरमेंट से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आपके जो सिलेबस हैं आरआरबी में, उसके आधार पे ये नोट्स बनाए जा रहे हैं, क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आरआरबी जेई का जो सिलेबस है, इस आधार पे माना जा रहा है कि 20 to 25 क्वेश्चन आने के हर साल चांसेस हैं। इस आधार पे जेई प्लैनेट आपके सामने लेके आ रहा है जो बेस्ट 100 क्वेश्चन होंगे एनवायरनमेंट के, वो आपके सामने रखे जाएंगे। क्योंकि समय कम है और सिलेक्शन पाना है, तो हमको उन क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा जो 100% इम्पॉर्टेंट हो। इसलिए आपके सामने सारे क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। चलिए, समय को ध्यान रखते हुए हम शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आने वाले सारे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे लिए भी आप कुछ करें। चलिए दोस्तों, देखिए हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि हमको नॉइज़ पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, ये तीन चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देना है। जो ये आप देख रहे होंगे वीडियो में कि ये दिया हुआ है वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, और यहाँ देखिए ये जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सॉरी। ये तीन चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये सिलेबस में आपके है और इसमें चीज़ें पढ़ने की क्या हमारे पे इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट होगा। तो अभी हम ज़्यादा फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, प्रदूषण के प्रकार, और वायु प्रदूषण पर। धीरे धीरे करके हम जल प्रदूषण, फिर ध्वनि प्रदूषण की तरफ जाएंगे, ताकि हम अपना पूरा सिलेबस कवर करके चलें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रदूषण के प्रकार के बारे में अगर बात किया जाए, प्रदूषण के प्रकार जो है, वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। अगर उनके उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए, अगर देखा जाए कि पर्यावरण के भाग के आधार पर जो पर्यावरण है हमारा, उस पर किस किस प्रकार का प्रभाव, आधार कौन कौन सा आधार है, बेस क्या क्या है उसके प्रदूषण का, तो वायु प्रदूषण हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा, भूमि प्रदूषण हो जाएगा, क्योंकि ये पर्यावरण के भाग के आधार पे है। ये पर्यावरण के भाग होते हैं बड़े से। उत्पत्ति के आधार पे देखा जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान सुनिएगा दोस्तों, समझने वाली बात है यहाँ पे। प्रकृति का आधार, प्रकृति का आधार मतलब ये है कि जो प्रकृति जो प्रदूषण फैलाती है, जैसे ज्वालामुखी का फटना हो गया, भूकंप का आना हो गया, सुनामी का आना हो गया, ये सब इसमें आ जाएंगे प्राकृतिक प्रदूषण में। ठीक है, मानवोद्भवी मतलब जो मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जैसे मान लीजिए औद्योगिक कोई कचरा हो गया, कोई किसान जो मान लीजिए खेतों में छोड़ देते हैं कचरा, वो हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनुष्य के द्वारा भी उत्पन्न, जैसे पॉलिथीन, अभी देख लीजिए सबसे जीता जाता एग्जाम्पल है। इससे बहुत बड़े स्तर पर भारत को नहीं, पूरे विश्व को खतरा है इस प्रदूषण से। इसलिए जो है पॉलिथीन पे जो है सिंगल यूज पॉलिथीन है, एकल प्रयोग की जाने वाली पॉलिथीन जो है, उसको कंट्रोल की जाने की कोशिश की जा रही है। अब आपसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी इस पे काम करें और सिंगल यूज पॉलिथीन का कम से कम प्रयोग करें। फिर देखिए गैसी प्रदूषण है, धूल प्रदूषण है, सबसे ज़्यादा देखिए गैसी प्रदूषण, धूल प्रदूषण दिल्ली में सबसे अधिक है। ताप प्रदूषण तो इस समय पूरे भारत में फैल रहा है, भारत नहीं पूरे विश्व में है। अभी ऑन एन एवरेज 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच चुका है। ध्वनि प्रदूषण आप देख ही रहे हैं, रेडियो सक्रिय प्रदूषण, जिससे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है या एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट है, तो उस तरीके से में अगर कोई बात घटित होती, कोई घटना घटी, जैसे जापान में हुआ था, तो वहाँ से जो रेडियो सक्रिय निकले थे वेव, उन्होंने रेडियो सक्रिय प्रदूषण फैलाया हुआ था जी। आगे जो है ध्यान देने वाली बात है, आगे देखिए, अगर जैव निम्नीकरण का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि जैवों के द्वारा ख़त्म कर दिया जाए, जो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, क्वेश्चन है हमारे ऊपर काफ़ी अच्छा, वो उसे कहते हैं जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल, मतलब ख़त्म हो जाए धीरे धीरे करके जैव के द्वारा ही। जैसे घर का कूड़ा हो गया,
पशुओं का मलमूत्र हो गया, सीवेज इत्यादि हो गया, ये ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे करके, तेज़ी के साथ भी ख़त्म होता है। और ये होता है नॉन डिग्रेडेबल, ये सब जो है पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर। हालांकि इसमें से भी चीज़ें जो हैं आपको देखेंगे कि ये मानवों के द्वारा उत्पादित की गई हैं औद्योगिक द्वारा, जैसे प्लास्टिक हो गया, अभी हम चर्चा कर रहे थे, DDT हो गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने एक बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट करती हैं, और ज़रूरी भी है इन सारी चीज़ों के बारे में जानना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके और इस पूरे एनवायरनमेंट के ऊपर बुरा असर डालती हैं। जी तो ये प्रदूषण के प्रकार हो गए। इसमें जो DDT है, कभी कभी DDT का आपके सामने पूछ देगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DDT, तो इसका फुल फॉर्म होता है डायोक्लोरो डायोफिनाइल ट्रायोक्लोरोएथेन, इसका एग्जांपल होता है, ये भी एक प्रदूषण एक प्रकार का। तो इस पे चलिए इस पे हम क्वेश्चन आगे करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है वो है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, परजैविक या प्रतिजैविक या ह्यूमेलेनिन या एंथ्रोपोजेनिक, बताइए दोस्तों कौन सा सही लग रहा है आपको। तो जो मानव जनित होते हैं प्रदूषण वो होते हैं आपके एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है जो मनुष्य के द्वारा, जो मानवों के द्वारा कचरा जो है पृथ्वी में डंप किया जाता है लाल आकर के, वो क्या उसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं, जैव के द्वारा विघटित प्रदूषक पारा या वाहितमल, प्लास्टिक या एस्बेस्टस, कौन से कहलाते हैं दोस्तों। तो जैव के द्वारा अगर विघटित होता है, आप पिछले लेक्चर में जाके देखेंगे, सॉरी पिछले टॉपिक पे, उसमें मैंने बताया था जैव विघटित क्या होता है, नॉन जैव विघटित क्या होता है। तो उसमें जो वाहितमल है वो होता है आपका जैव विघटित, जैसे पशुओं के द्वारा जो चीज़ें होती हैं या मनुष्य के द्वारा कुछ कचरे जो घरेलू कचरे होते हैं या हमारा जो सॉलिड वेस्ट होता है उससे उसे कहते हैं जैव विघटित प्रदूषक, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, निम्नीकरणीय। पहली चीज़ आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा, कभी कभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ने में भी गलती कर देते हैं और इससे हमारा जो है आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, तो जैव के द्वारा कम किया सकता है, क्वेश्चन वही है, जैव विघटित कहें या जैव निम्नीकरणीय करें, बात वही है, प्लास्टिक या पॉलीथीन या पारा या रबड़, इसमें से कौन सा सही जवाब लगता है आपको। तो शायद ज़्यादातर लोग सोचें कि शायद पारा हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे कि प्लास्टिक और पॉलीथीन दोनों तो एक ही एग्जांपल हैं, तो कुछ लोग कहें रबड़ हो सकता है, बिल्कुल सही है, रबड़ इज़ द राइट आंसर, रबड़ सर जैव विघटित हो सकता है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप ज़रूर इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कि आपको बताना है कि इन चारों में से कौन ऐसा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जैव निम्नीकरणीय रहित है, इन्हीं चारों क्वेश्चन में सबको बताना है कि कौन ऐसा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और इस पॉलीथीन की जगह पे सॉरी इस प्लास्टिक की जगह पे मैं एस्बेस्टस लगा देता हूँ, ठीक है जी, जरूर बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं एयर पोल्यूशन की तरफ। जैसा कि हमने पहले बताया था आपको कि हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन पे। तो ये देखिए काफ़ी चर्चा में ये चित्र रहता है आजकल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे हर साल एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इसको ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा ताकि आगे वाले समय में आप ऐसी कोई गलती ना करें जिससे हमारी मेहनत बेकार हो जाए, ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों। ये सूचकांक है, ये श्रेणियाँ हैं उनकी, ये प्रदर्शित रंग है और ये प्रभाव हैं, क्या प्रभाव पड़ेंगे इस बारे में बताया गया है। जब 0 से 50 सूचकांक शो करेगा, ये पार्टिकुलेट मैटर है, समझिएगा PM है, पार्टिकुलेट मैटर, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या है चीज़ें। तो माना जाता है अगर PM
2.50 से 50 है तो एक अच्छी श्रेणी मानी जाएगी, मतलब वहाँ प्रदूषण थोड़ा कम है और पर्वती रंग होगा हरा, ध्यान दीजिएगा। अगर हरा शो करे मतलब अच्छी कंडीशन है। वैसे भी हरा आप जानते ही हैं कि पर्यावरण का एक अच्छा सूचक होता है, तो इसका न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। अगर वह चीज़ 51 से 100 हो जाए, मतलब दोगुना बढ़ गया, तो माना जाएगा सेटिस्फैक्ट्री है, चलिए तभी काम चल सकता है, हम वहाँ पर जी सकते हैं, सांस ले सकते हैं, हल्का हरा शो करेगा। तो संवेदनशील लोगों के श्वास संबंधी परेशानी, मतलब जिनको मान लीजिए अस्थमा होगा, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी उनको बार बार आ सकती है, ऐसा देखा जाता है। मरीज काफ़ी सबके आस पड़ोस पड़ोस में मिल जाएंगे आपको, जिनको जरा सा भी डस्ट लगता है तो उनको खांसी आने लगती है। अगर 100 से 200 हो जाए तो मध्यम प्रदूषित हो जाता है, मतलब मॉडरेबल पॉल्यूटेड हो जाता है, मतलब संतोषजनक से थोड़ा सा कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी अभी भी जी सकते हैं हम लोग उसमें। तो गुलाबी रंग का शो करने लगेगा, इसमें अस्थमा और हृदय घात की जो पीड़ित समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं उनको। अब देखिए 200-300 अगर हो जाए तो ख़राब माना जाता है, यहाँ उसका शो करने लगेगा पीला कलर, और स्वास्थ्य संबंधी बीमारी सबको होने लगेंगी, चाहे वो इंसान अच्छा हो, स्वस्थ हो, चाहे अस्वस्थ हो, समस्या सबको आ जाएगी। अगर 300-400 हो जाता है तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है, लाल शो करने लगता है, ज़्यादातर दिल्ली में आप देखेंगे तो यही कंडीशन बनी हुई है, यही शो करता है। यहाँ जो अच्छे लोग हैं उनके फेफड़े में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ 2.5 हमारे नाक से अंदर जाने लगता है और हमारे हृदय पे प्रभाव डालने लगता है। अगर 400 to 1 to 500 हो जाए बहुत गंभीर माना जाता है, गहरा लाल शो करता है, ये भी आपको समझने वाली बात है। लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है, मैं आपसे बताऊँ कि अगर जो है PM 2.5 0 से 50 है तो कैसा होगा, या PM 2.5 200-300 है तो क्या शो करेगा, कलर्स क्या शो करेगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जी चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, आगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये भी कुछ चीज़ें हैं, आप इसको समझ लीजिए, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। जी सूचकांक जो होते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया गया है इनको, इनके क्वालिटी के आधार पर बताया गया कि कौन कौन से प्रदूषक ऐसे होते हैं जो नुकसान करते हैं हमारे आसपास में, जैसे हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, उस विषय में सारी चीज़ें बताई गई हैं। जी देखिए जो पहला है, अगर कोई भी पार्टिकुलर मैटर PM 10 से बड़ा हो या PM 10 के बराबर हो तो काफ़ी नुकसानदायक होता है, फिर PM 2.5 ये भी नुकसानदायक, और जब हमने चर्चा की पूरा PM 2.5 पे ही सारी चीज़ें थी, फिर नाइट्रस ऑक्साइड NO2, नाइट्रस डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेरे हिसाब से तो बहुत ही डेंजरस है ये, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो अम्लीय वर्षा में भी बहुत बड़ा सा वो होता है, सहयोगी होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, अमोनिया, लेड, ये सारे के सारे चीज़ें जो होती हैं आपके प्रदूषण फैलाने के काम आती हैं, मतलब ये हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही डेंजरस है। जी आइए इस पर आगे हम क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, आपको बताना है कि कोयला पेट्रोल और डीजल आदि का दहन का मूल स्रोत क्या है, क्या जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, या ध्वनि प्रदूषण है, बताइए इन चारों में से क्या लगता है आपको कौन सा सही है। तो देखिए जब कोयला जलेगा या पेट्रोल जलेगा या डीजल जलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो एटमॉस्फेरिक जो है प्रभाव डालेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं धुआं बन के वो आसमान में जाएगा, इसलिए ये वायु प्रदूषण करेगा। क्या वो जल में जाएगा कोयला जल करके, नहीं जाएगा ना। जी आगे बढ़ते हैं, ये है आपका कि प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है, आपको ये बताना है। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने से के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन। तो सही क्वेश्चन का सही आंसर है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। जी ये प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे शब्द जो होता है इसे कहते हैं स्मोक और फॉग के मिलने से बना होता है। प्रकाश रासायनिक जो है धूम कोहरा का वायु प्रदूषण की एक अवस्था होती है, सही मायने में देखा जाए तो, जैसे गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले हुए धुएं
में उपस्थित नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड या ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे सारी चीज़ें मिली होती हैं। ये आप क्रिया करके ही मतलब आगे आप पढ़ेंगे तो ये द्वितीय प्रदूषण श्रेणी में आती हैं या प्राथमिक प्रदूषण श्रेणी में आती हैं। डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस विषय में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्यान से पढ़िएगा, प्रकाश रासायनिक ध्रुव का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है। प्रकाश रासायनिक ध्रुव का बनना, स्मोक का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है। अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले ही पढ़ा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, ये सब मिल करके ये चीज़ बनाते हैं। तो इसमें से कौन सा आपका एग्जांपल, कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा वो एग्जांपल सही होगा। तो देखते हैं, देखिए इसमें भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कौन सा सही माना जाएगा। जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी, क्या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैसें हैं। सामान्य परिस्थितियों में वातावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैसें कौन कौन सी हैं। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसका झट से देना चाहिए जवाब। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड से मुझे भी बड़ा नफरत है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। द्वितीय प्रदूषक नहीं है, कौन नहीं है, आइए जानते हैं। जो दोस्तों जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो द्वितीय प्रदूषण, ये प्रथम प्रदूषक है, बाकी PNA, स्मोक, ओजोन ये सब क्या है, द्वितीय प्रदूषक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। सिंपल सा गैस क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसमें से आपको कौन सा सही लगता है, जल्दी से। कार्बन मोनोऑक्साइड राइट आंसर, जिसने भी अभी तक बताया होगा उसका जवाब सही होगा दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा जवाब, सारे क्वेश्चन को पोस्ट करिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। इससे आपकी आप खुद अपने आप को इन्हेंस कर पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे आप कहाँ तक कितना सही हैं। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु प्रदूषित करती है, मर्करी, कैडमियम, लेड, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है, इसमें से किस पे लगाया जाए, किसको लॉक किया जाए। लेड इज राइट आंसर, जिसने भी लेड कहा होगा उसका जवाब सही होगा दोस्तों। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में अगर इसका डिस्क्रिप्शन भी चाहिए जरूर बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन भी आपको दे दूंगा। फिलहाल अभी हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे काम करना है तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करा रहा हूँ ताकि चीज़ें याद रहें जी। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। ये दोस्तों बहुत ही आपके अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको जानना चाहिए कि चीज़ें ऐसी भी हैं कि हमको मतलब इस तरीके का नुकसान पहुंचा सकती हैं जी। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमको मौत तक पहुंचा सकती है, ये इतनी डेंजरस होती है दोस्तों। देखिएगा ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो इसका भी सही जवाब आपका होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी बिल्कुल वही मौत का कारण बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। ये थोड़ा सा आपको सोचने वाला क्वेश्चन मिल गया कि ऐसी कौन सी गैस हो गई जो इस तरीके की चीज़ें क्रिएट कर रही हैं। कोई नहीं, आप इसका जवाब भी ढूंढ सकते हैं जी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे।
दोस्तों ये हमारा वायु प्रदूषण पे सारे क्वेश्चन थे आपको जो अभी बताए गए, और आने वाले समय में और भी क्वेश्चन वायु प्रदूषण पर कराऊंगा। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन जेन्युइन है, सही है, तो आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और आज आपके सर क्लास नहीं ले पाए तो उन्होंने मुझे क्लास लेने के लिए कहा, वो थोड़ा ज़रूरी काम से बाहर चले गए हैं, हो सकता है शाम तक लौटे, तो उनसे भी आप शाम को जरूर मुलाकात होगी इसी प्लेनेट पे जिसका नाम है जी प्लेनेट। और आप अच्छे से पढ़ाई करिए और दिन रात मेहनत करिए ताकि सिलेक्शन करीब मिले, आपको जल्द से जल्द मिले। और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जब तक हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी जो टीम जब तक है यहाँ पे, और भी लोग नए नए जुड़ते जा रहे हैं, हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी एग्ज़ाम में अच्छा करें। चलिए दोस्तों, अब यहीं आपसे विदा लेते हैं, पढ़ते रहिए मस्ती के साथ। ओके, बाय बाय।